बच्चों एक टॉपिक है नॉर्मल आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, आइसो कब लगता है, नॉर्मल कब लगता है और नियो कब लगता है। रे बड़ा आसान है, रे बड़ा आसान है। एक्चुअली क्या है, जो कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम, जिसको कहते हैं ट्रिवियल नेम, जो देसी नाम होता है, कॉमन नेम जो होता है, उसमें अगर मोर देन वन स्ट्रक्चर, क्या बोला, मोर देन वन स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो, तो वैसे केस में जो डिस्टिंग्विश, जो अगर एक ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है कॉमन नेम में, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे, तो उसके लिए बाय द यूज हम लोग नॉर्मल आइसो और नियो यूज करते हैं। जैसे वहाँ भी लिखा है यूज इन कैन हैविंग मोर देन थ्री कार्बन। जी बिल्कुल, अगर थ्री कार्बन से अगर ज़्यादा होगा तभी तभी आप लोग यूज करेंगे नॉर्मल आइसो नियो। तभी चांसेज है तीन से अगर ज़्यादा कार्बन होंगे तभी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो एक से ज़्यादा बनेगी। तीन तक का कार्बन का चेन है तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। तो आ जाओ रे आ जाओ। तो कॉमन नेम में सामान्य नाम जो ट्रिवियल नेम जो करते हैं उसमें अगर एक से ज़्यादा का संरचना बन रहा हो, संभव हो, तो ऐसे किस्म जो डिस्टिंग्विश वाला अलग अलग करते हैं वो यूज आप प्रीफिक्स, इसको नॉर्मल बोलते हैं बच्चों। आइसो एंड नियो को जरा करते हैं। चले चले चले, नॉर्मल क्या है नॉर्मल होता है इट यूज फॉर अनब्रांच्ड अल्केन। जी बिल्कुल अनब्रांच के लिए होता है, एकदम स्ट्रेट रहेगा तो आपका नॉर्मल यूज होता है। क्या होता है यूज बच्चों, नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल यूज होता है। इट यूज फॉर अनब्रांच। जी बिल्कुल, अनब्रांच के लिए क्या यूज होता है, नॉर्मल। जैसे कि 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन लगातार है, अनब्रांच है, कहीं कोई निकला, कोई लटका फटका नहीं है, सब्सटेंट नहीं है, लगातार है, तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। ब्यूट क्यों बोला, क्योंकि 4 कार्बन है। नॉर्मल क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रेट है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट है, अनब्रांच है, अगर तो क्या हो गया, नॉर्मल। अच्छा एक नीचे एग्जाम्पल बता, CH3 इसमें क्या प्रोपेन बोलते हैं, इसको नॉर्मल लगाएगा क्या, नहीं लगा, क्यों, बिकॉज इट हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, इसका एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो नॉर्मल और आइसो नियो की बात नहीं करेंगे। ऊपर ही मैंने बोला था वैसे अल्केन के लिए होता है जिसमें मोर देन 3 कार्बन कहे या मोर देन 1 स्ट्रक्चर कहेंगे तो उसमें नॉर्मल लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रोपेन में नॉर्मल नहीं लगेगा, ब्रांच तो नहीं है लेकिन फिर अनब्रांच ही है, कोई ब्रांच नहीं है, फिर मैंने नॉर्मल नहीं लगाया, क्यों लगाया, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर संभव है। जब एक से ज़्यादा जब स्ट्रक्चर बनता है तो वैसे किस में नॉर्मल आइसो और नियो प्रीफिक्स लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये कार्बन का अगर 4 ऐसे हैं तो देखो यहाँ भी नीचे लिखे देखे 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी 4 कार्बन है, तो यहाँ ब्रांच हो गया ना, तो यहाँ देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है। अब सुनो यहाँ पे क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है, C4 और H क्या होगा, 4 × 8 = 10 हो जाएगा, तो C4H10 हो जाएगा, इसका भी करोगे C4H10 आएगा, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन एक बना स्ट्रेट और एक बना ऐसे बना, तो स्ट्रक्चर दो बना ना बच्चों, ऐसे के दो बने, एक यहाँ ऊपर जो देख रहे हो तुम लोग नॉर्मल ब्यूटेन जो बोला है किसका बना, तो इसका 2 स्ट्रक्चर है, तो वैसे कैसे दो स्ट्रक्चर जब होते हैं तो वैसे कंपाउंड का अगर कॉमन नेम करना है तो या ट्रिवियल नेम कहते हैं, ट्रिवियल नेम कहते हैं कॉमन नेम को, तो वैसे केस में हम लोग नॉर्मल आइसो और नियो का लगाता है जिसमें एक ही स्ट्रक्चर संभव है, तो 3 से अगर कम कार्बन हो तो उसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे केस में बच्चों आपको नॉर्मल आइसो नियो की बात हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो प्रीफिक्स आइसो कब लगेगा, बोल एटीट्यूड यूज व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। क्या बोला, बोल अगर कंटिन्यूअस कार्बन का चेन हो उसमें एक अगर मिथाइल, क्या बोला, CH3 ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप अगर जुड़े हो किसी सेकेंड कार्बन एटम से, देखो 1 2 3 1 2
ये थ्री ये कंटिन्यूस कार्बन का चेन है, सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या लगेगा, आइसो लगेगा, आइसो इट गिव्स ग्रीन वन मिथाइल ग्रुप, मिथाइल सी एच थ्री ग्रुप इज अटैच जुड़े हैं सेकंड कार्बन से, किसके कंटिन्यूस लगातार कार्बन का चेन है और सेकंड कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा आइसो, क्या होगा बोलो आइसो, तो आइसो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि दो पे मिथाइल लगा हुआ है तो आइसो लगाया, और टोटल कार्बन जोड़ो, देखो ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, आईयूपीएसी कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम है टोटल कार्बन गिनो कितना है, एक दो तीन चार, तो ब्यूट हो गया, और चूंकि सिंगल मोड एन लग जाएगा और एन आइसो क्यों लगा, चूंकि ये पे मिथाइल ग्रुप अटैच जुड़ा हुआ इसीलिए आइसो ब्यूटेन हो गया। ओके बच्चों कार्बन, अब देखो अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है कार्बन चार हुआ, तो एक ये अगर सीधा हुआ अनब्रांच हुआ तो नॉर्मल, अगर एक सी एच थ्री लटक गया तो आइसो 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 लगता है कब, जब एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे अटैच हो, किसमें कंटिन्यूस जो कार्बन का चेन हो तो उसी में जो अटैच होता है तो उसमें आइसो लगता है। अच्छा एक बात और एग्जांपल हम आप लोगों को कराते हैं, अगर रे अगर ऐसे तुमको मैं दे दूं तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे, बोलो रे बोलो क्या कहोगे, तो ब्रांच है क्या, नहीं एक दो तीन चार पाँच छः, किसका नाम लेगा नॉर्मल हेक्से, बोलो रे बोलो ये ब्रांच नहीं है, इसको ऐसे सीधा पकड़ पकड़ लो तो क्या स्ट्रेट सीधा हो जाएगा ना, ऐसे पकड़ खींच लो तो क्या होगा, तो अनब्रांच होगा ब्रांच ही नहीं चलाएगा, ऐसे सीधा हो गया, ऐसे कर पकड़ सीधा कर लो तो ये भी क्या होगा नॉर्मल लगेगा, चार से ज़्यादा का तीन से ज़्यादा कार्बन है भी और ब्रांच नहीं है स्ट्रेट है, इसको पकड़ पकड़ो तो सीधा हो जाएगा, तो अनब्रांच हुआ तो नॉर्मल एक्शन लग गया, फटाफट नॉर्मल आइसो लिखो फटाफट। अरे नियो कब लगता है, अरे बस वहाँ आइस नॉर्मल में अनब्रांच था, नॉर्मल में एक मिथाइल ग्रुप लगा था सेकंड कार्बन पे, और नियो में क्या होगा, अरे क्या होगा नियो परफेक्ट कब लगता है, जब मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम, क्या बोला 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 सेकंड कार्बन एटम पे अगर दो मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हो और किस में कंटिन्यूस कार्बन चेन हो, कंटिन्यूस चेन में अगर सेकंड कार्बन एटम पे अगर दो मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हो तो लगता है, क्या लगता है नियो प्रीफिक्स लगता है, अब देखो एक दो तीन कंटिन्यूस कार्बन का चेन, दो गो मिथाइल ग्रुप देखो रे देखो देखो रे देखो दो गो मिथाइल ग्रुप अटैच है ना रे सेकंड पे, सेकंड पे दो गो मिथाइल ग्रुप है ना रे, तो 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 नाम क्या हो जाएगा न्यू, क्योंकि दो गो मिथाइल ग्रुप है लेकिन दो मिथाइल ग्रुप अटैच है जुड़े हैं, कहाँ जुड़े हैं सेकेंड कार्बन एटम के, किसके कंटिन्यूस जो चेन है क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अगर दो मिथाइल ग्रुप अगर जुड़े हैं तो न्यू 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 न्यू, अब देखो न्यू लगा दियो रे, टोटल कार्बन कितना है बता भाई, एक दो तीन चार पाँच है तो पेन और सिंगल बॉन्ड कार्बन का सिंगल बॉन्ड एन लगा डिओ पेंटेन, चूँकि ये कॉमन नेम है आईयूपीएसी नेम नहीं है, नॉर्मल आइसो नियो कॉमन नेम यूज होता है आईयूपीएसी में यूज नहीं होता है, तो कॉमन नेम में चूँकि या तीन कार्बन या दो टोटल पाँच हो गया तो नहीं हो, और चूँकि दो मिठाई लगा तो नहीं हो, और पेंट क्यों बोला चूँकि टोटल कार्बन के साथ एक दो तीन चार पाँच टोटल पाँच है तो नियो पेंटेन हो गया। अच्छा एक बात तो ठीक है कि नियो यूज तभी हो पाएगा जब मिनिमम पाँच कार्बन एटम्स प्रेजेंट होगा, जी बिल्कुल बच्चों अगर पाँच से कम होगा तो फिर नियो की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो मिठाई भी होना चाहिए फिर कार्बन का चेन भी होना चाहिए, तो नियो प्रीफिक्स के लिए कम से कम पाँच कार्बन होना चाहिए और आइसो के लिए भी कम से कम चार कार्बन चाहिए, नियो के लिए कम से कम पाँच कार्बन चाहिए, फिर आगे ऐसे ही चलता रहता है। नॉर्मल तो भाई तीन के बाद लगना शुरू रहता है, चार पाँच छः सात नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल आइसो नियो प्रीफिक्स कॉमन यूज होता है, समझ में आया कैसे कैसे, ठीक है बच्चों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।